से फाट से। रूम की हालत है जरा, शाजिल इस्त्री कर रहा है, जल्दी कर शाजिल, आज थीसिस देखना है आपके सीनियर्स का। प्रिपेयरिंग में तो सबके साथ हेल्प किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत काम तो देखा होगा, सरप्राइज तो कुछ है नहीं। नहीं नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा देखूंगी। तो शाजिल तैयार हो गया है? हाँ शाजिल, क्या सीन है? बस जाने लगे हैं। हाँ हॉस्टल में तो बहुत बुरा हाल है भाई, कैसे रहते हो यार? हॉस्टल लाइफ तो होती है। कॉलेज हमारे लिए मतलब नलियाल भी है, ददियाल भी है, धर्मशाला भी है, कॉलेज नहीं है सिर्फ। ज्यूरी हो रही है स्टूडेंट के सामने। जुड़ी हुई है नहीं हुई है? अभी कैसी है, पट रही है नहीं पट रही है? पट रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा इसलिए इतनी दूर खड़े हो? हाँ अबू बकर, अबू बकर जुड़ी के बता, हुई है नहीं हुई? खैर से हुई है, क्या रिमार्क्स थे? बहुत अच्छे रिमार्क्स, खुश हुई है मैं बहुत। अच्छा बहुत अच्छा काम। मेरा टॉपिक है, मुझे भूल गया। 3 सालों में तो ऐसा लग रहा था जैसे एमसीए ख़त्म ही हो गया ना, तो लेकिन ये है कि उसके बाद दोबारा से जो एमसीए की जो एक खुशियां थी और जो एक माहौल था कि एग्जीबिशन होती है या थीसिस होता है, तो वो मुझे रंगीनियां वापसी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मेरे वाला दौर आ गया याद मुझे। हाँ टेक्निकल मिस्टेक क्या था बताओ जरा। यार टेक्निकल मिस्टेक्स काफी सारी चीजों में है, ठीक है ना, आप वीडियो क्यों बना रहे हो? बता ना। मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगता वीडियो में। अच्छा तुम्हें क्या लगा, कोई टेक्निकल एरर तो नजर नहीं आया तुम्हें? मैं बताता हूँ तीन गैप मैच का भी ऐसे की शक्ल दिखाएं। असद घोड़े वाला इसका काम भी ना बस सही था, इसकी भी रिसर्च ठीक थी, मतलब वेटिंग कर रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। आपके 4 साल जो है एमसीए के वो कैसे रहे? स्किल्स आ गए हैं काफी अच्छा, अब हमारे पास एक ग्रिप है कि हम आगे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे फैकल्टी है यहाँ की और बहुत अच्छा यहाँ का जो काम हुआ है। अच्छा इसका मतलब ज्यूरी अच्छी हुई है। हम टीवी में सेट डिजाइनर है, मेरे सीनियर है, तो उनसे मिलवाता हूँ। कौन भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? कब आए हो सर? मैं अभी आया हूँ, आप बताओ कैसे सर? आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कैसे काम डिस्प्ले हुए हैं? यार काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफी मतलब आपके जमाने में कैसे था? इससे अच्छा है और इसी बात, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है चीज़ें और आइडियाज भी चेंज होते हैं। तो हमारे टाइम पे जो वक्त सिनेरियो थे उस तरह के हमने कुछ बनाया, अब के दौर के जो हैं उन लोगों ने फैंस के लिए। सर आप ये बताएं हमें कि नया अनकमिंग ड्रामा कौन सा हम देखें जिसमें आपका कोई रोल हो? बस अभी आ जाएगा इंशाल्लाह, सरप्राइज है। हाँ चार साल आपके एमसीए के कैसे गुजरे सर? बहुत अच्छे, एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छे, मुझे मेरा पसंद दिखा रहा है और सर जब मेरी फ्रेंड्स और मेरे फैमिली से मेरे आपके अपनी मेरी फैमिली मतलब जो मेरे करीब और फाइनली ये मेरा अपना इधर से। My topic for thesis are online comics and they are by the name of Shapeshifter Comics. So you can see here on the display there are some comics over here. I have an Instagram page so please follow me to read comics. I recently started posting them so please follow me. MCA mein 4 saal kaise guzre? Acche guzre. New student ke liye kya message hai? Bas bahut zyada pareshan na hona. Easy okay. काम करो ठीक है और अपने शौक पूरे कर लो। यस अपने शौक पूरे करो, अगर आपको कोई कहता है कि मतलब लाइक योर आर्ट इज़ गुड इनफ एंड कोई फ्लॉज हैं, डोंट माइंड दैट, कीप गोइंग, डोंट लेट दैट यू नो हिंडर यू, डोंट लेट दैट ब्रेक।
था आपका? मेरा टॉपिक गुरु घोड़े के ऊपर है, मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है और डिज़ाइन कैंपेन है बेसिकली। मेरा जो मेन टॉपिक है वो रेस्टोरेंट ब्रांडिंग पे है। मैं अपने रेस्टोरेंट में बलोची फूड को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे बलोची फूड हैं जिसमें मैंने अभी सिर्फ 6 को ही उठाया है। दास्तान इमान फरोशी की बुक है सलाहुद्दीन अयूबी पर, तो मैंने इनकी बुक की रिसर्च करके उनमें से जितने भी करेक्टर्स थे वो मैंने सारे विजुलाइज करके, उनकी स्टोरी विजुलाइज करके एक कॉमिक बुक मैंने रखाने का इरादा है। मुझे ये बताइए MCA में आपके 4 साल कैसे गुजरे, क्या एक्सपीरियंस रहा? हेक्टिक रहा है, इंजॉयबल रहा है और कुछ टफ डेज भी रहे हैं। फेवरेट टीचर सर शहजाद। और सीनियर्स कैसे रहे? सीनियर्स एक्चुअली मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरा ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट, स्पॉन्सर करने का इरादा है, अगर स्पॉन्सर हो जाता तो ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करूँगी। सजेशन कैसे मिले? ज्यूरी कैसा प्रोग्राम है, तो भंगड़ा करते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की क्लोजिंग है। Oh, no.